वेलकम गाइस टू बेस्ट एवर क्रिकेट शो। ये सेकंड T20 इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। तो हार्ड पिच है, तो ये वाली पिच होगी बैटिंग में बहुत अच्छी, लेकिन मैं जब भी बॉलिंग हूँ कि हमने पहले मैच में फर्स्ट T20 में बॉलिंग ली थी और हम बहुत ही अच्छी तरह जीते थे। हमने वेस्ट इंडीज़ को 103 रन पर होल आउट कर दिया था, फिर चढ़े जाके बहुत ही प्यारी इनिंग, उसकी वजह से मैच जीत पाए। तो पहले T20 वन जीरो से आ गए हैं वर्ल्ड सीरीज अभी तक। सेकेंड T20 बैटिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। तो भुवनेश्वर कुमार पहली बॉल डालते हुए फर्स्ट इनिंग की और ये बाहर की तरफ स्विंग बॉल और ये देखिए मौजूद है। तो पहली बॉल बहुत अच्छी थी भुवनेश्वर कुमार की। भुवनेश्वर कुमार दूसरी बॉल डालते हुए देखते हैं भुवनेश्वर कुमार कहाँ बॉल डालेंगे। दोबारा आगे की तरफ बॉल डाली है स्विंग की वजह से और ये मेरे ख्याल से आउट 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 और नहीं यार चौका ले लीजिए आप उस बॉल में चार ले लीजिए आप लुइस के खाब पर खड़े थे लेफ्ट साइड खेलते हैं उनके बाहर की तरफ जाती थी बॉलिंग से और अच्छी तरह पड़ी। मुझे लगा सही से टाइम नहीं हुआ पर जितना टाइम होना चाहिए उतना टाइम हुआ। क्लासिक चार रन भी आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और बहुत ही अच्छी लगी आपको वीडियो बता दें। आपको जाना नहीं है तो आप सब्सक्राइब कर दो, मेरे प्लीज सपोर्ट मिल जाएगा काफ़ी अच्छा। भुवनेश्वर कुमार ने तीसरी बॉल डाल दिया और भी अंदर की तरफ स्विंग बॉल थी और ये देखिए आप काफ़ी अच्छी बॉल थी अंदर की तरफ स्विंग बॉल थी और ये देखिए भुवनेश्वर कुमार थोड़े से नाखुश। विराट कोहली अपनी टीम में मोटिवेट करते हुए आ चुके हैं और ये देखिए आप काफ़ी अच्छी बॉल हेड शॉट मारना चाह रहे थे स्क्वायर पे और ये देखिए फिर वहाँ पर नहीं लग पाया। बहुत अच्छी बॉल थी है। तो पहला T20 मैच वेस्ट इंडीज हार चुकी है, तो देखते हैं तीसरा दूसरा T20 में क्या कर पाते हैं। और ये आप लेग साइड पर मारा है और वहाँ फिल्टर मौजूद है पर फिल्टर नहीं कुछ कर पाएगा। चार रन काफ़ी अच्छा चौका देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा चार रन चौका था ये लेग साइड पर बॉल दी भी इसमें बॉल पड़ी वेट कर रहे हैं आप कुछ बात कर रहे हैं बोल नहीं सकता ये चार अच्छी बात नहीं। आप अगर आप कैप्टन हो काफ़ी अच्छे कैप्टन थे ये मैं मान रहा हूँ, इन्होंने नंबर वन हमें दिलाया था टेस्ट में, काफ़ी अच्छे कैप्टन हैं पर मेरे हिसाब से कैप्टन को कूल होना चाहिए। महेंद्र सिंह धोनी जैसा मैं महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ पर विराट कोहली बहुत अच्छे बेस्ट फैन है। मैंने टीम को डाल रखी है काफ़ी सारी प्लीज चेक चेक करो और ये कवर कर मारा था शॉर्ट बफर मौजूद है। और अगर आपको IPL के वीडियोज़ देखनी है साउथ अफ्रीका टूर वेस्ट इंडीज़ टूर और आपका ये देखिए काफ़ी अच्छी बॉल थी अच्छी लीव करी है ये वाली इससे बुमरा और आपका T20 ICC जगह चलते चैनल बहुत अच्छे लगे वो सब्सक्राइब कर देना। तो राउंड द विकेट बॉल डालते हुए क्रिस गेल को और एक कवर के ऊपर से लगा दिया है छक्का। ये देखिए काफ़ी अच्छा छक्का लगा है राउंड द विकेट बॉल डाली थी हार्दिक पांड्या ने। ये देखिए सामने स्पॉट पर बॉल बहुत ही ज़्यादा छक्का लगा है यार देखिए छः रन की। तो देखिए आप ये इसमें विराट कोहली क्यों आए हैं रोहित शर्मा बॉलिंग डालने के लिए, देखते हैं विराट कोहली क्या बॉल डालते हैं। और ये लगा दिया है कवर पे चौका लगा दिया है कवर पे आप देखिए पहली बॉल पे विराट कोहली ने पता नहीं क्यों बॉल दी थी पहले मजे मजे में विराट कोहली बॉल देने के लिए देखते हैं कैसे बॉल डालेंगे। ये देखिए चार रन काफ़ी अच्छा चौका फिर मुझे मारते हुए कोई फ़ायदा नहीं काफ़ी ज़्यादा चौका मारा था लुइस ने। तो विराट कोहली देखिए आप लुइस 40 रन पे खेलते हुए तो हार्दिक पांड्या आ चुके हैं पावरफुल बॉल डाली थी और बहुत ही प्यारा बॉल शॉट खेला उन्हें छः रन काफ़ी अच्छी बॉल थी अभी और इससे भी अच्छी बैटिंग थी लुइस ने बहुत ही प्यारा बॉल शॉट खेला है पीछे छः रन लगा दिया है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी बॉल काफ़ी अच्छी बैटिंग होगी उसके हिसाब से पावर से बॉल बहुत अच्छी तरह खेला अश्विन को ले आए हैं रोहित शर्मा बॉलिंग डालने के लिए। तो अब अश्विन देखते हैं क्या बॉल डाले हैं। वेस्ट इंडीज़ आराम से खेल रही है 34 पहुंच चुकी है इनकी पार्टनरशिप और ये आउट ये लेग साइड में मारना चाह रहे थे ये सीधे स्टंप में लेग बॉल स्टंप पर जाके बढ़िया देखिए आप लुइस हक्के बक्के हो चुके हैं बहुत अच्छी बॉल थी रविचंद्र अश्विन की गुड लैंड बॉल थी स्पिन बॉल थी और ये देखिए लुइस की बड़े 18 रन में जाते हुए और अश्विन ने बॉल कर दिया है लुइस को। तो
ये देखिए आप नेक्स्ट सेट में मारना चाह रहे थे, समझ नहीं पाया बॉल को, स्पिन बॉल थी, और ये देखिए अब सीधे विकेट में जाके लगी और ये आउट। ये देखिए काफ़ी अच्छी बॉल थी और ये नीचे लाई थोड़ी सी बॉल, और काफ़ी अच्छी बॉल और ये बहुत ही प्यारा विकेट यहाँ पे अश्विन का। तो रसल को उतारा है पोलार्ड ने, ये रसल बहुत अटैकिंग बैटिंग करते हैं। तो बुमराह कुछ बात करते हुए रविंद्र जडेजा से कि चार रन रेट है इस समय, अभी तक एक भी रन नहीं आया इस ओवर में। और ये एक और डॉट बॉल तो मैन इन ओवर निकाला है पहला ओवर जडेजा ने अपने स्पेल का। तो मैं जडेजा एंड अश्विन से ही अटैक करूँगी, दोनों फर्स्ट 10 ओवर में 38, इन दोनों ने पकड़ के रखा होगा केवल दो रन दिए अपने चार ओवर, एक साढ़े चार ओवर तक केवल दो रन दिए और एक विकेट। ये देखिए आप शिखर धवन तो क्रिस गेल आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए, और ये और या सूप शॉट खेला था क्रिस गेल ने, जो जैसे बैटिंग करते हैं उनके एक्चुअली बल्ले बल्ले मिली थी, अनोखा शॉट खेला है जडेजा ने, बहुत ही अच्छी बॉल दी हमारी, रन नहीं दे रहे थे और आउट दे देखा 15 रन वापस जाते हुए इस गेम वापस जाते हुए इस गेम। ये देखिए आप ये देखिए आप स्वीप शॉट खेल रहे थे वो बहुत तेज़ी से बॉल अंदर घुसी, और ये देखिए आप ये आउट। ये देखिए आप बहुत अच्छी बॉल दी है वाली और सीधे विकेट में जाके घुसी, ड्रेन खराब हो आ चुके हैं अश्विन एंड जडेजा, बहुत ही बढ़िया केवल 3.39 रन रेट है। और ये सामने की तरफ लगा दिया मौजूद है पर कोई फायदा नहीं, छेदर मौजूद था पर जब छक्का लगा दिया सामने की तरफ, राहुल ने बहुत अच्छी तरह बोल करी है सामने की तरफ लगा दिया छक्का, तो 13 ओवर हो चुके हैं 48 दोनों का ओवर मार खत्म हो चुके हैं। और ये लेग साइड पे बॉल थी और ये बहुत ही बड़ा छक्का लगाया है, आप देखिए 6 रन सर में आपको किसी छक्के में चुटकी हो चुकी है वेस्ट इंडीज़ की, और हार्दिक पांड्या ने शॉर्ट बॉल दी और रसल ने बहुत अच्छी तरह बॉल दी और 6 रन, और जडेजा एंड अश्विन ने केवल 8 रन दिए और 2 विकेट लिए उन्होंने 8 ओवर। और ये बहुत ही अच्छी है और ये बहुत ही प्यारा छक्का लगाया है रसल ने, ये अब इस हार्दिक पांड्या के पीछे पड़ चुके हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छी बॉल दी है वही, लेकिन उससे भी अच्छी ये दिखती है, ये देखिए बहुत ही प्यारा छक्का दे सकते हैं, और ये 6 रन काफ़ी अच्छा शॉट था, कूल शॉट था, काफ़ी अच्छा राउंड द विकेट बॉल डालते हुए आखिरी बॉल, और ये लगा दिया कवर के ऊपर से और ये आउट, सिंपल सा कैच ये आप देखिए ऋषभ ने कैच लिया है ये वाला। और ये हार्दिक पांडे काफ़ी महंगे साबित हुए थे, अब ब्रावो को वापस भेज दिया है इन्होंने, ये देखिए पूरी टीम खुश और एक केवल 8 रन वापस जाते हुए काफ़ी अच्छी कैच, और ये बहुत अच्छी बॉल थी राउंड था विकेट, स्लोअर बॉल डाली थी कवर के ऊपर से मारना चाह रहे थे ये, और ये देखिए स्लोअर बॉल थी नहीं समझ पाए और सिंपल सा कैच वहाँ ऋषभ, तो जडेजा बॉल डालते हुए आखिरी ओवर है जडेजा का, और ये आगे पढ़ के लगा दिया है रसल ने छक्का, रसल एक तरफ से टिके पड़े हैं, ये देखिए आप 27 रन पे खेलते हुए रसल, और एक वो सामने की तरफ लगा दिया है 6 रसल द पावर, ये देखिए सामने की तरफ छक्का 28 ओवर पर खेलते हुए 4 छक्कों के साथ, और अभी तक काफ़ी अच्छा ओवर डाला था खेलने में, आखिरी ओवर है और ये एक और 6 ले लीजिए आप बैक साइड छक्का, और रसल हो चुके हैं पागल, भुवनेश्वर कुमार भी अपने यू नो बैंड बॉलिंग आने वाली है, और अश्विन अपनी आखिरी बॉल डालते हुए आखिरी ओवर डालते हुए मैं फील्डिंग यही रखूँगा, तो हिटमैन सर रसल 40 पे खेलते हुए, और ये काफ़ी शॉर्ट बॉल और ये आगे बढ़ के लगा दिया है कैच बीमा फील्डर बहुत अच्छा सीधे छक्का, तो आप देखते हैं ये अश्विन ने हाँ संदे की तरफ और ये आगे बढ़ के लगा दिया है 6 हिटमैन ने बहुत ही गली छक्का मारा है, अश्विन ने सामने की तरफ बोल रखी थी पैरों में बोल रखी थी, हिटमैन ने आगे बढ़ के लेग साइड में लगाया छक्का, तो अश्विन को देखिए 3 ओवर 3 बॉल 20 रन वेस्ट इंडीज़, और सामने की तरफ वहाँ पर फील्डर मौजूद है पर कोई कोई फायदा नहीं, वेस्ट इंडीज़ से बड़ी छक्का ही गया और दो छक्के लग चुके हैं, हिटमैन ने मारे हैं
सोनन हो चुकी है वेस्ट इंडीज का स्कोर, और ये मेरे ख्याल से आउट 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 नो डाउट है यार, ये मेरे ख्याल से पिच ब्लैक स्टोन से बाहर के लिए होंगे। तो एक बार देखते हैं कैमरे में, इस एंगल से तो पता नहीं चल रहा है, पर ये देखिए मेरे हिसाब से बाहर की तरफ हुई थी पिच, तो हाँ ये बाहर की तरफ पिच थी, अच्छा मैंने रिव्यू ले लिया। तो देखते हैं कि अश्विन आखिरी बॉल है इसके इनके स्पेल की, तो अभी तक छक्का छक्का फिर डॉट बॉल और ये आउट, सुपर शॉट खेलने जा रहे थे अश्विन ने वहीं पर टप्पा अच्छी मैच सुपर शॉट खेलने जा रहे थे, चार बॉल अश्विन ने जो दो छक्के खाए उसका अपना पत्ता ले लिया है। और ये देखिए आप काफ़ी अच्छी बॉल दी है और उससे भी अच्छा विकेट, तो अब भुवनेश्वर कुमार आ चुके हैं और ये विराट कोहली कुछ बात करते हुए, दो ओवर में एक बॉल पे अभी उन्होंने 7 रन दिए हैं, तो पूरम वो सॉरी केवन बोला डेंगे सर। और ये देखिए आप बहुत ही बड़ा छक्का लगा दिया है थर्ड मैन के ऊपर से, और इसी छक्के के साथ मिशेल हो चुकी है 34 रनों पर, इनके 28 बॉलों पर केवल 12 रन पे, इसमें 53 पहुँचा दिए हैं, एक दो बॉल पे आई थी बीच में, और ये देखो बहुत ही प्यारी इनिंग, दो कर बॉल डाली है और ये एक और सिक्स लीजिए आप बैक साइड पे, रसल को नंबर वन स्टॉप प्लेस पे उतारा था इन्होंने, केविन बोला ने बहुत अच्छा डिसीजन रहा था ये वाला इनके लिए, और रसल पिटाई करते हुए बहुत अच्छी तरह इंडियंस बॉलर्स की, तो 59 पे खेलते हुए रसल 36 बॉलों पर, देखते रोहित शर्मा क्या बॉल डालेंगे, वाइड जोकर बॉल डालने की कोशिश करी है और एक कवर के ऊपर से लगा दिया है सिक्स, ये देखिए आप कवर के ऊपर से लगा दिया है सिक्स, और 65 पे खेलते हुए रसल एक तरफ से पिटाई करी जा रहे हैं, तो स्लोअर बाउंसर बॉल ट्राई करो मैं, और ये पुल शॉट खेल दिया है, और ये एक और छक्का ले लीजिए, ये बहुत ही महंगा ओवर गया है, ये बहुत ज़्यादा महंगा ओवर गया है, रसल ने इस ओवर में 24 रन दिए आए हैं, तो 71 पे पहुँच चुके हैं, तो अब बुमराह को ले आए हैं और विराट कोहली कुछ बात करते हुए, तो देखते हैं, और ये फील्डिंग मैं लगाऊंगा, सारे फील्डर मैंने पीछे लगा दिए क्योंकि ये दोनों बहुत पिटाई कर रहे हैं, रसल एक साइड से बहुत पिटाई कर रहा है, तो मैं चाहूँगा उसका टैग टीम आए क्योंकि वो फिर आउट नहीं हो रहा है, और ये केवल पोलार्ड भी छक्कों पे डील करते हुए योग और बोल दी सीधी पैरों में योग कर उससे भी अच्छा बोल दी और छक्का लगा के लिए देखा सिंह धोनी, तो अब रसल आ चुके हैं स्ट्राइक पे, तो देखते हैं क्या बॉल डालते हैं रसल को, और ये शॉर्ट बॉल अंदर की तरफ स्विंग बॉल, और ये देखिए आप बहुत ही प्यारा छक्का लगा दिया उस साइड पे, अरे 6 रन है, कोई छक्का ले लीजिए आप, 40 बॉलों पर 77 पे खेलते हुए रसल, और ये बुमराह को भी पिटाई करते हुए सब पिट रहे हैं आज, पहले टी ट्वेंटी में वेस्ट इंडीज 103 रन भी जा चुकी थी, लेकिन अब रसल एक तो फिर पिटाई कर रहे हैं बहुत बुरी, एक और छक्का ले लीजिए आप, योर बॉलों पर छक्के मार रहे हैं भुवनेश्वर कुमार एंड जसप्रीत बुमराह, दोनों बहुत पिटाई खा रहे हैं, और मैंने मोहम्मद शामी को स्टैंडिंग लाई क्योंकि मोहम्मद शामी मेरे फर्स्ट टी ट्वेंटी में यू नो इंजर्ड हो गए थे, वाइड यॉर्कर ट्राई करूँगा मैं, और सामने की तरफ लगा दिया है सिक्स, ये देखा वाइड यॉर्कर ट्राई करी थी मैंने, और 6 रन नफा भी हो चुके हैं सर 44 रन पे, 4 बॉल बचे हैं, वाइड यॉर्कर और ये 46 496 पे पहुंच चुके हैं 18 ओवर 5 बॉल पे, और ये राउंड द विकेट बॉल डाली है, और ये 46 ले लीजिए आप 90, और ये छक्का ये देखिए अभी मेरे ख्याल से कैमरे पुराने छक्का मारा है, ये तो 166 पे फॉल हो चुका है वेस्ट इंडीज का स्कोर, और ये जस्टिन बुमराह थोड़े काफ़ी नाखुश, और रसल देखिए आप रसल मेरे ख्याल से 96 पे खेल रहे हैं, और पूरी टीम थोड़ी नाखुश, केविन पोलार्ड आ चुके हैं, केविन पोलार्ड आउट हो चुके हैं, ये देखिए और बहुत ही अच्छी बोल रही है हमारी योग तो बोल थी केविन पोलार्ड, लेकिन बहुत अच्छी इनिंग गया है कैप्टन हमारे वेस्ट इंडीज के, ये देखिए पूरी टीम खुश, और केविन पोलार्ड 13 रन में केवल 4 बॉलों पर गिर गई, केविन पोलार्ड ने 13, लेकिन एक तरफ से रसल द मसल पावर बहुत भयंकर इनिंग खेल रहे हैं आप देख सकते हैं, तो पूरा मार चुके हैं बैटिंग करने के लिए, और ये आउट पूरा अंबी वापिस जाते हुए आप देख सकते हैं पूरा अंबी वापिस जा चुके हैं, और ये आखिरी बॉल अभी आखिरी बॉल बची है,
और ये पूरम के लिए 0 रन भी जाता है। महेंद्र सिंह धोनी का बहुत ही अच्छा लोअर कैच, ये देखिए आप, एच लगी और काफ़ी अच्छा कैच। तो ये एक नो बॉल हो चुकी थी मेरे ख्याल से, और नो बॉल के नहीं, नो बॉल नहीं, सॉरी, विकेट हो चुका था। तो अब देखते हैं क्या बॉल डालते हैं। और ये हाँ, मुझे वहाँ माफ करते हैं, नो बॉल हो गई थी, नो बॉल पे सिंगल ले लिया था क्रॉफर्ड ने और सामने लगा दिया छक्का। तो संगति हो चुकी है सेंचुरी। और ये देखिए 76 ओवर हो चुकी है सेंचुरी, ये देखिए आप। तो ये देखिए आप, और ये दोनों हमारे बैट्समैन वापस आते हुए, ये देखिए आप, शिखर धवन एंड रोहित शर्मा। तो मैंने केएल राहुल को यू नो थोड़ा रेस्ट दिया है केएल राहुल को, और मैंने शिखर धवन को ओपनर उतारा है सेकेंड इनिंग टीम में। वो रोहित शर्मा ने पहली बॉल खेलते हुए 176 का टारगेट दिया है वेस्ट इंडीज़ ने, और ये सामने की तरफ खेलना चाह रहे, और ये सिंपल सा कैच। रोहित शर्मा पहली इनिंग में फर्स्ट T20 में 20 रन का विकेट ले लेते हैं, और फर्स्ट बॉल में दोबारा आउट होते हुए भी आप देखिए दोनों T20 में 0-0 वापस जाते हैं रोहित शर्मा। और ये देखिए आप, पूरी टीम वेस्ट इंडीज की काफ़ी खुश, क्योंकि पता है बहुत अच्छी बॉल दी है वाली। और क्रॉफर्ड शेल्डन ने जो बॉलर है उन्होंने पहली T20 में रोहित शर्मा को 0 रन वापस भेजा था, अपनी दूसरी T20 में सामने की तरफ खेलना चाह रहे थे रोहित शर्मा, और बहुत ही सिंपल सा कैच पूरम का, ये देखिए आप, सामने की तरफ खेलना चाह रहे थे, एज लगी और ये सिंपल सा कैच। और ये देखिए आप, पूरी टीम खुश, उनको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट विकेट था ये वाला। और विराट कोहली आया है बैटिंग करने के लिए, देखते हैं विराट कोहली कैसे बैटिंग करेंगे। विराट कोहली अपनी पहली बॉल खेलते हुए और आगे बढ़ के लगा दिया है विराट कोहली ने कमर के ऊपर से छक्का, एक काफ़ी अच्छी बॉल थी है, आप देख सकते हैं विराट कोहली ने आगे बढ़ के स्टेप आउट किया कमर के ऊपर से सिक्स लगा, ये देखिए आप, काफ़ी अच्छी बॉल, उससे भी अच्छी बैटिंग विराट कोहली की। 6 रन पहले T20 में विराट कोहली 0 रन वापस हुए, आउट हुए थे ये तो, लेकिन इस बार ये बहुत अच्छे टच कर रहे हैं। पहली बॉल में विराट ने छक्का लगा दिया है, तो अब देखते हैं क्रॉफर्ड क्या बॉल डालते हैं। वो लेग साइड पर लगा दिया है विराट कोहली ने, फ्लिप करके लगा दिया है चौका, एक और चौका ले लीजिए आप भी। लेकिन बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं विराट कोहली, पहली बॉल पे छक्का, फिर दूसरी बॉल पे एक चौका, ये देखिए लेग साइड पर बॉल थी विराट कोहली ने, बहुत ज़्यादा टाइम है उनके पास। और ये देखिए आप, 4 रन, तो ये काफ़ी नाखुश बॉलर हमारे, क्योंकि विराट कोहली टाई कर रहे हैं अच्छे से केविन पोलार्ड को। अगर ये सीरीज़ जीती रहनी है, क्योंकि ODI सीरीज़ हार चुके थे वाली, तो पहली T20 हार चुके हैं, तो अगर वेस्ट इंडीज़ को सेकंड गेम बने रहना है तो ये वाला मैच जीतना पड़ेगा। तो शिखर धवन ने आगे बढ़ के लगा दिया है चौका, काफ़ी अच्छा चौका लगाया ये शिखर धवन ने, अंपायर ने इशारा 4 रन। ये देखिए आप, रोच ने काफ़ी अच्छी बॉल डाली थी, थोड़ी आगे बॉल थी, और शिखर धवन ने आगे बढ़ के चौका लगाया सामने की तरफ, और 4 रन, और शिखर धवन ने पहली बॉल पर चौका लगाया था। देखते हैं हम दूसरी बॉल कैसे खेलते हैं इस ओवर की, और ये दोबारा लेग साइड पर लगा दिया है ये मेरे ख्याल से, एक और चौका ले लीजिए आप। तो शिखर धवन भी फॉर्म में लग रहे हैं मुझे, 1 ओवर 3 बॉल 21 पे खेलते हुए इंडिया का स्कोर, और ये आगे बढ़ के स्टैप आउट किया था एज लगी, और ये 2 रन आ चुके, थर्ड स्लिप पे होता था कैच हो सकता था ये, और ये 2 रन बहुत अच्छी रनिंग। तो 2 ओवर में हो चुका है इंडिया का स्कोर 24, अब 2 ओवर 1 बॉल में ले लीजिए आप 28, 28 पे विराट कोहली और शिखर धवन बहुत ही प्यारी बैटिंग कर रहे हैं, अंपायर ने इशारा 4 रन, काफ़ी अच्छी बॉल और उससे भी अच्छी बैटिंग, ये देखिए 4 रन मैक्सिमम रिजल्ट आया इस बॉल पे। विराट कोहली बहुत ज़्यादा टूट पड़ रहे हैं इन पर, इन्होंने ही विकेट लिया था विराट कोहली का पहले इनिंग में, तो अब इनके ऊपर पागल की तरह चढ़ चुके हैं। रन रेट देखिए आप हमारा 12.92 का, 2 ओवर 1 बॉल 28 रन, आगे बढ़ के ले लीजिए एक सामने की तरफ लगा दिया है 6 विराट कोहली ने, बहुत ही पहला छक्का आगे देख सकते हैं सामने की तरफ, आगे बढ़ के बोले कैसे लगाया छक्का, और अंपायर का इशारा 6 रन, ये देखिए आप, शॉर्ट बॉल थी और ये आगे बढ़ के बहुत ही स्टेप आउट किया है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है शॉट से विराट कोहली का। तो 23 पे खेलते हुए 10 बॉलों पे विराट कोहली 2.5 पे 36 पे 1, और ये लगाया है कवर और आउट,
ऑफ साइड में मारना चाह रहे थे, ये देखिए आप कवर के ऊपर से मारना चाह रहे थे। और क्रॉप बॉल ने बहुत ही अच्छा कम बैक किया है विराट कोहली 11 बॉलों पे 23 रन बना पे जाते हुए। और ये देखिए आप, ये इनके ऊपर बहुत अटैकिंग खेल रहे थे आल की तरफ बोल के 23 रन बना पे जाते हुए, बहुत ही अच्छा कैच होने वाला। ये देखिए आगे की तरफ बोल दी हमारी, कवर के ऊपर से मारना चाह रहे थे, तेज बोल दी और ये सिंपल सा कैच दे बैठे और ये आउट। ये देखिए बहुत ही अच्छा कैच। तो केएल राहुल 4 रन, अब केएल राहुल आ चुके हैं, केएल राहुल ने पहले ही बॉल पे लगा दिया है लेग साइड पर छक्का। ये देखिए आप, काफी अच्छा छक्का लगाया केएल राहुल ने। और ये देखिए काफी अच्छा छक्का। ये देखिए आप दोबारा स्लॉट पे बॉल थी केएल राहुल के पास, बहुत टाइम का बिल्कुल मिड ऑफ द बैट लगी और 6 रन। तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर विकेट तो ले रहे हैं पर बहुत ज्यादा महंगे साबित हो रहे हैं। ये देखिए आप केविन पोलार्ड अपनी टीम को मोटिवेट करते हुए, 3 ओवर 4 बॉल 45/2। और ये तो वाइड बॉल और ये लगाया है पुल शॉट और ये और बच गया भाग 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 चौका 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 चौका, थोड़ा मिसफील्ड हुई और लेकिन 3 रन ले लिए हैं मैंने इसी बात पे। बहुत ही अच्छी रनिंग शिखर धवन की। तो 49 पे खेलते हुए इंडिया 2 विकेट पे। तो ये खेल रहा हूँ लेग साइड पे लगा दिया है, फील्डर मौजूद है पर फील्डर मौजूद है पहली मंजिल पर डालो तो देखिए काफ़ी अच्छी बॉल और उसकी भी अच्छी बैटिंग खेल रहा हूँ, बिल्कुल मिले तो बैट लगी और ये 4 ओवर 3 बॉल 57/2। ये खेल राहुल ने गुड बॉल लैंड बॉल थी सामने की तरफ लगा दिया है 6/6 ले लीजिए 6 रन। शॉर्ट बॉल थी खड़े खड़े छक्का लगाया, ये खड़े खड़े छक्का लगाया, बॉल का फायर करा, बॉल गिनके से फायर उठाया, बॉलर काफ़ी नाखुश है, बहुत पिटाई हो रही है इनकी। 5 ओवर 2 बॉल 65/2। शिखर धवन अभी तक खेल रहे हैं और शिखर धवन ने भी सामने की तरफ लगा दिया है और माफ फील्डर मौजूद है पर कोई नहीं, ऊपर से गया उसकी बॉल और 4 रन। तो केविन पोलार्ड रसल को ले आए हैं 6 ओवर हो चुके हैं, स्कोर 77/1 77/2 मुझे माफ करना। और ये पीछे की तरफ लगाया शॉट, नहीं 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 भाई प्लीज आउट भाई यार आउट हो गया। शॉट बॉल थी मैं पीछे की तरफ फ्लिक किया था, ओए यार ये आउट होते हुए केएल राहुल। और ये देखिए आप पूरी टीम खुश, केएल राहुल वापस जाते हुए काफ़ी अच्छे टच में लग रहे थे। ये आप देखिए केवल 22 रन वापस जाते हुए काफ़ी अच्छे टच में लग रहे थे, बहुत अच्छा देखिए। और ये देखिए रन आउट हो रहे हैं, ये देखिए आप बेफालतू मैंने रन लेने की कोशिश करी। ये देखिए आप काफ़ी अच्छी थ्रो, ये देखिए आप फेम है भी देखिए। तो अब ऋषभ आ चुके हैं, ऋषभ क्या बॉल डालते हैं और ऋषभ को कवर के ऊपर से लगा दिया है 6, खड़े खड़े पहली बॉल पर लगा दिया है छक्का। अंपायर के सामने 6 रन फसल गए, कोई कुछ रन बोल दिया पहली बॉल पर ऋषभ ने लगा दिया छक्का। तो ऋषभ ने भी अपना इंटेंशन बता दी है कि मैं अटैकिंग बैटिंग करूँगा और एक बॉल ले लीजिए आप 6, सामने की तरफ लगा दिया है 6 ऊपर से 2 बॉल पूरे छक्के आ चुके हैं बेटा। इस ओवर में ऋषभ ने बहुत तगड़ी बैटिंग कर दी, 2 ओवर बॉल और ये आउट, लेग साइड पर मारना चाह रहे थे ये आउट होते हुए नहीं देख पाए। पूरी टीम खुश, आपने जाते हो केवल 12 ओवर 10 मिनट छक्का मारा तीसरी बार छक्का मारने के लिए मारने चाह रहे थे सीधे विकेट में उसी बॉल। ये देखिए सीधे विकेट पर तेज बॉल आई थी हमारी। तो हार्दिक पांडे आए हैं और सुनील नारायण को ले आए हैं केविन पोलार्ड। 7 ओवर हो चुके हैं 89/4 और शिखर धवन अभी तक टिके पड़े हैं। मुझे फुल टॉस बॉल बनाई और ये लेग साइड पर मारने की कोशिश करी और ये आउट। ये देखिए आप फुल टॉस बॉल दी और
शिखर धवन लेग साइड में फिर पसंद करते थे सिंपल से कैसे बैठे सुने सुनल ब्रांड शिखर धवन पहली बॉल में सुनल ब्रांड ने विकेट ले लिया है। ये देखिए फुल टॉस बॉल थी, लेग साइड पर मारना चाह रहे थे, सही से टाइम नहीं हुआ, सिंपल था, वहीं फिल्टर था, वहीं कैच दे बैठे बैटिंग करने के लिए। तो महेंद्र सिंह धोनी ये देखिए, और ये महेंद्र सिंह धोनी भी काफ़ी जाते हुए, तो मुझे लगा बाहर की तरफ बोल के मैंने लीव कर दी थी बोलने वाली, और सीधे विकेट कर रहे यार महेंद्र सिंह धोनी गोल्डन टच हुआ भी जाते हुए इस बोली में। तो 92 हो चुका है सिक्स विकेट का स्कोर रविंद्र जडेजा, रविंद्र जडेजा ने पहली टी ट्वेंटी में अश्विन को उतारा है इसमें रोहित शर्मा ने जडेजा पहले, और एक कवर के ऊपर से मारना चाह रहे थे और ये आउट। सुनील नारायण ने इस ओवर में तीन विकेट ले लिए हैं, इंडिया का बहुत बुरी मदद से थी पहले पहली और शिखर धवन और शिखर धवन बहुत अच्छी खेल रहे गोल्डन टक अश्विन को देखा पीछे हट के कवर के ऊपर से मारना चाह रहे थे और सिंपल सा कैच दे बैठे। आप ये देखिए लोग जडे जाए हैं और हार्दिक पांडे और ये देखिए अब एक और आउट ले लीजिए 92 हो चुका है एट्स को टीम का। और ये देखिए काफ़ी अच्छी बॉल वापिस जाते हो हार्दिक पांडे केवल 0 रन पे। ये देखिए आप सामने की तरफ खेलना चाह रहे थे बॉल और सिंपल सा कैच सिंपल सा विकेट लेके सीधे जाके। तो भुवनेश्वर कुमार और भुवनेश्वर कुमार भी आउट होते हुए ये देखिए आप अपनी पहली बॉल पर आउट होते हुए जो प्लेसमेंट कर रहे थे रुकी रही बॉल और ऐसे ही बस विकेट याद होते हैं गोल्डन टच में आप जाते हैं भुवनेश्वर कुमार 96 पहला टी ट्वेंटी बहुत सारे जीत चुके थे बस सेकेंड टी ट्वेंटी मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ जीत चुकी है क्योंकि हमारे हो चुके हैं 9 ओवर में 92 में 9 और ये आउट और ये बच गया जडेजा पहले ही टी ट्वेंटी में 48 रन बहुत इंपॉर्टेंट रन थे उनके 48 रन। तो अब देखते हैं जडेजा कुछ कर पाते हैं या नहीं और ये आउट और ये तो वहाँ भी हमारा मैच 83 रन चल रहे हैं। तो वेस्ट इंडीज का बहुत अच्छा कम बैक किया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक